कार्रवाई की गई और शायद बहुत से लोग मास्क लगाना भी भूल गए हैं, ऐसा कुछ नजर आया कार्रवाई में। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जिस तरह कोरोना फैल रहा है, बाड़मेर में भी पिछले चार दिनों से कोरोना के 52 केस आ गए हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने नवीनतम गाइडलाइन 1 और 3 अप्रैल को जारी की गई। उसके निर्देशों के तहत कई जगह सिटी में ज्वाइंट टीम की कार्रवाई की गई, जिसमें DYSP संबंधित SDO और हमारी पूरी रेवेन्यू की और नगर परिषद की टीम थी। उसके तहत हमने कुछ दुकानों पे देखा, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने कर रहे थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी, मास्क भी नहीं पहने थे, बिना मास्क सामान भी दे रहे थे ले रहे थे। इसलिए हमने 5-7 दुकानों की सीजर की कार्रवाई भी की है और काफी चालान भी बनाए हैं, जो अभी तक हम डिटेल आपको दे देंगे। सर, जो सीज की गई है कितने दिनों के लिए की गई है और दुकानदारों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को? राज्य सरकार के नवीनतम निर्देश कल रात को सीएम साहब ने 10 से 12 बजे तक रात में VC की थी। इसकी कितनी गंभीरता भयावहता को देखते हुए तो हमने राज्य सरकार के निर्देशानुसार और 5-7 दुकान को सीज की है। 3 दिन के लिए हमने सीज की है, सिर्फ मैसेज देने के लिए, ताकि बाकी दुकानदार इसके लिए जागरूक रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सैनिटाइज का विशेष ध्यान रखें। 8 बजे के बाद किस तरीके का कर्फ्यू? अभी बाड़मेर में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, उस समय बिल्कुल जीरो मोबिलिटी रहेगी। तो इसके लिए सरकार के निर्देशानुसार पूरी टीम हमारी गश्त करेगी और कहीं भी लोगों का आवागमन नहीं रहेगा। 7:30 बजे हमने दुकान बंद करने के लिए हुटर बजा दिया है, उसके बाद ये सब चीजें बंद रहेगी। ठीक है।